नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ रौनापाड़ी सगड़ी तहसील के उत्तर में बहने वाली घाघरा जैसे जैसे घट रही है, अपने तटवर्ती क्षेत्रों में कटान तेज कर दी है। अब तक देवरा खास राजा के तीन पूर्वे मुरारी का पूर्वा, तिल्लोकी का पूर्वा और भीमली के पूर्वा घाघरा में विलीन हो चुका है। खाना पकाने के लिए जगह नहीं है, मवेशियों को चारे का संकट छाया हुआ है। हर वर्ष बाढ़ के कहर से नदी के किनारे बसे गाँव के लोग परेशानियों से जूझते रहते हैं। हर बार अपना घर बनाते हैं लेकिन बाढ़ उनके अरमानों पर पानी फेर देती है। इस वक्त एक दर्जन से अधिक गाँव की चपेट में है। वहीं जिनके मकान पक्के हैं और घरों की छतों पर रहने को मजबूर है। गरीबों की झोपड़ियों में पानी भरा है, शौचालय भी पानी से लबालब है। शौच करने के लिए लोगों को काफी दूर जाना पड़ रहा है। पानी के सड़ने से दांत खाद खुजली व अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। मवेशियों के लिए चारे का संकट गहरा गया है। बाढ़ क्षेत्र में हर तरफ त्राहे त्राहे मची हुई है। ऐसे हालात में आज प्रखंड समाज सेवा समिति ने देवरा खास राजा के बगहवा में हो रही कटान का दौरा किया और जिन लोगों का मकान घाघरा में विलीन हो चुका है उन लोगों को कपड़े, मास्क, फल, साबुन, सैनिटाइजर देने का कार्य किया। सैकड़ों लोगों को कपड़े, मास्क, फल, साबुन, सैनिटाइजर देने का कार्य किया। प्रबंधक राजवंत सिंह ने बताया कि लगातार हो रही कटान से दूरांचल के लोगों की सैकड़ों एकड़ जमीन घाघरा में विलीन हो चुकी है। बाढ़ आने से लोगों की मुख्य फसल गन्ना व धान बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इस मौके पर प्रबंधक राजवंत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सुमन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित लता सिंह, प्रदेश सचिव अंजना सिंह, प्रदेश महामंत्री फुरकान खान, प्रदेश मंत्री दीपक सिंह, वरिष्ठ सलाहकार रविन्द्र कुमार, आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष वंदना पांडे, महिला मंडल अध्यक्ष बिमला देवी, सगड़ी अध्यक्ष लक्की श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। मैं राजवंत सिंह, प्रबंधक प्रखंड सामाजिक सेवा समिति। राजवंत जी, आज आप लोग के द्वारा किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, जो कटान जारी है देवारे में, वहाँ हम लोग गए थे। वहाँ लगभग 90 घर जो कि पूर्ण रूप से बह चुके हैं, वहाँ के लोग एक दूसरे के घर पर आकर रह रहे हैं। वहाँ हम लोगों ने आज कपड़ा, फल, साबुन, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि वस्तुएं वितरित किया। क्या लगता है ये कार्यक्रम आप लोगों का आगे भी चलता रहेगा? हाँ, ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। जैसे जैसे आवश्यकता समाज को पड़ती है, प्रखंड सामाजिक सेवा समिति सदैव खड़ी रहती है। जिस तरह चाहे वो कोरोना काल का समय रहा हो, उसमें भी हमारा कार्यक्रम चला। बाढ़ क्षेत्र में जहाँ पे जनता परेशान है, वहाँ भी हमारे संगठन के लोग लगातार जा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पूरा परिचय बताइए। मैं श्रीमती अंजना सिंह, पौत्रवधु वीर चक्र विजेता शहीद सौदागर सिंह और प्रखर सामाजिक सेवा समिति की प्रदेश सचिव। आज आप लोगों के द्वारा किस तरह का कार्य किया है? आज हम लोग गए वहाँ देखने, बाढ़ क्षेत्र में गए। वहाँ पे बहुत ही दयनीय स्थिति है। कटान हम लोग के सामने ही दो बार लगभग जमीन कट के नदी में विलीन हो गई है। वहाँ पे 90 घर थे। वहाँ के लोग बता रहे थे कि वो लोग बहुत सुखी और संपन्न थे, लेकिन इस टाइम उनका घर बार कुछ भी नहीं है। सारा सामान सब बह गया है। झोपड़ पट्टी डाल डाल के रह रहे हैं। उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ जाके हम लोगों ने उनका हालचाल पूछा। बेचारे रोने लगे अपनी दशा बता के। और कपड़ा, सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, ये सारी चीज़ें उन लोग को हमने दिया। जो हमसे बन पड़ा हमने किया, हमारे संगठन ने किया। और ऐसे ही हम लोग हमेशा मदद करते हैं समाज में। जिसको भी ज़रूरत पड़ती है हम लोग मदद करते रहते हैं। लगातार हमने देखा कि आप लोगों के द्वारा उस क्षेत्र में दौरा किया जा रहा है, सामान वितरित किया जा रहा है। क्या आगे भी इस तरह के कार्य जारी रहेंगे? जी हाँ, हमेशा जारी रहता है। हर मुसीबत में हम लोग अपने संगठन के द्वारा मदद करते हैं और आज भी करते रहेंगे। बाढ़ क्षेत्र का दौरा करते रहेंगे और अनाज भी वितरण करने का विचार हम लोगों ने बनाया है।